नमस्कार दोस्तों, दास सर्विस सेंटर चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक छोटा सा फॉल्ट लेके आया और ये बहुत छोटा सा फॉल्ट है। ये वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिए ताकि आप लोग को कुछ जानकारी मिले और क्या पता आप लोग को कुछ हेल्प भी मिल जाए। तो पहले देखिए ये टीवी को लगाकर मैं आप लोग को बताता हूँ ये टीवी में फॉल्ट क्या है। तो ये मैं टीवी का प्लग लगा रहा हूँ और ये टीवी ऑन हो गया। ये देखिए ये रेड लाइट ब्लिंक हुआ और अभी ये स्टैंड बाय रिलीज हुआ, लेकिन ये देखिए ये डिस्प्ले में कुछ नहीं, ये ब्लैक बना हुआ है, डिस्प्ले में कुछ नहीं है। और कस्टमर ने बताया है उस टीवी में साउंड है लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए। ये टीवी मैंने ओपन कर चुका हूँ और ये 24 इंच का एक टीवी है और शायद ये बैकलाइट ख़राब हो गया होगा इसलिए डिस्प्ले में कुछ नहीं बन रहा है। तो पहले ये पावर सेक्शन को पहले चेक करेंगे। पावर तो इसे भी ठीक है लेकिन बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा है, शायद बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन ख़राब होगा। तो पहले उसको खोल लेना है दोस्तों, खोल के चेक करेंगे। ये बैकलाइट का कनेक्शन लगा हुआ है। तो पहले इस कंडीशन में हम लोग को देखना है बैकलाइट क्यों ऑन नहीं हो रहा है। बैकलाइट ख़राब होगा तब भी ऑन नहीं होगा और ड्राइवर सेक्शन अगर ख़राब होगा तब भी बैकलाइट ऑन नहीं होगा। तो पहले देखते हैं उसको। तो दोस्तों ये बैकलाइट का ये कनेक्शन है, उसको खुल देना है। पहले खुल के चेक करेंगे। ये बैकलाइट ये देखिए यार, ये बैकलाइट ओपन कर चुका हूँ और ये पावर सेक्शन पहले चेक करेंगे। ऐसे तो टीवी चल रहा है लेकिन बैकलाइट ऑन नहीं है। तो अभी पावर को एक बार लगा कर चेक करते हैं। ये मैंने पावर लगा रहा हूँ, ये पावर लगाया। ये देखिए ये ऑन हुआ और अभी अभी देखना है ये मीटर भी ये जगह पर रख दिया और बैकलाइट का जो पावर सप्लाई है उसको देखना है। ड्राइवर बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को देखना है ये जगह पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो ये एलिवन ये 12 वोल्ट बता रहा है, पावर सेक्शन ओके है। तो दोस्तों अभी पावर को फिर ऑफ करते हैं और ये पावर को ऑफ कर दिया और धीरे धीरे ये रीडिंग चला जाएगा। तो देखिए बैकलाइट को चेक करने का कुछ तरीका होता है बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को। अभी मैं पावर को लगाऊंगा, पावर लगाने का साथ ये मीटर में आप लोग ध्यान दीजिए, ये मीटर में वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, उसका बाद धीरे धीरे ये कम होने लग जाएगा।
तो सोच लेना बैकलाइट ड्राइवर चक्सन ओके है, और इसे अगर नहीं हुआ तो ड्राइवर चक्सन ख़राब है तो पहले ये चेक कर लेते हैं। तो मैं प्लग को लगा रहा हूँ, और ये प्लग को लगाया और ये लाइट, ये देखिए ये वोल्टेज से बैकलाइट को ऑन करने नहीं पाएगा दोस्तों। तो ये तो पता चला ये बैकलाइट ड्राइवर चेक्सन काम नहीं कर रहा है, और ये बैकलाइट का कनेक्शन है। अभी बैकलाइट को कनेक्शन नहीं देंगे तो टीवी में पिक्चर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, ये बैकलाइट ड्राइवर चेक्सन ख़राब है तो एक दूसरा पावर चेक्सन लगा कर देखते हैं। और दोस्तों ये एक मेरे पास एक पीसीबी पूरा हुआ है, उसके साथ में बैकलाइट को जोड़ देंगे और उसी से बैकलाइट को चेक करेंगे। तो उसको पहले कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद ही चेक करेंगे। ये दोस्तों बैकलाइट का कनेक्शन है, उसको लगाना है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस का साथ प्लस जोड़ेंगे। और जोड़ के देखते हैं बैकलाइट ऑन होता है कि नहीं। उसमें दोस्तों ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, ये बैकलाइट का फॉल्ट है। ये बैकलाइट नहीं है, नहीं जल रहा है, उसका वजह से पिक्चर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं पहले बैकलाइट को ऑन करके, ये बैकलाइट ऑन होता है कि नहीं देखते हैं पहले। तो उसको ये जगह पर सेट कर दिया, और ये जगह पर रख के इसको चेक करना है। ये बैकलाइट का कनेक्शन है, इस जगह पर ब्लैक टिप मार देते हैं, बाई चांस शॉर्ट वगैरह होगा तो बैकलाइट का ड्राइवर चेक्सन उड़ जाएगा। तो इसको ब्लैक टिप मार देने से सेफ रहेगा। ये दोस्तों बैकलाइट का कनेक्शन है, ये बैकलाइट को ये बोर्ड से सप्लाई देंगे और ये बोर्ड से पावर को सप्लाई देंगे। तो दोस्तों पावर सप्लाई को लगाकर एक बार ऑन करते हैं। ये अभी ऑन, ये प्लग को लगा रहा हूँ, और ये देखिए ये बैकलाइट जल रहा है। ये देखिए ये बैकलाइट ऑन हुआ, लेकिन अभी पैनल में देखते हैं। तो पहले मैं एक बार ऑफ करता हूँ।
तो दोस्तों पावर को एक बार लगाना है, फिर एक बार लगाते हैं पावर को और देखते हैं डिस्प्ले में क्या बन रहा है। तो ये देखिए पावर को मैं लगा दिया और ये देखिए उसमें तो और फॉल्ट निकला, ये वर्टिकल बार लाइन का प्रॉब्लम है। ये बैक लाइट ऑन हो गया लेकिन वर्टिकल का बार लाइन्स का प्रॉब्लम है। फिर मैं ऑफ करता हूँ और फिर इसको लगाते हैं, देखते हैं इसका फॉल्ट। ये देखिए पावर को मैंने ऑन कर दिया और अभी स्टैंड बाय रिलीज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए वर्टिकल का ये बारसा लाइन बना हुआ है और फिर ये चला गया और डिस्प्ले बैक लाइट ऑन है। इसमें और भी फॉल्ट है दोस्तों और ये देखिए ये धीरे धीरे वाइट हुआ और ये देखिए ये पार्टिकल बारस लाइन का कुछ लाइनिंग आ रहा है और डिस्प्ले वाइट हो गया। फिर से ऑफ किया और फिर से लगा के आप लोग को और एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने ये लगाया, ये ऑन हो गया और स्टैंड बाय रिलीज़ करते हैं। और ये देखिए ये वर्टिकल का बार बना हुआ है, ये देखिए, और इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों उसका फॉल्ट क्या हो सकता है अभी ये फॉल्ट को देखना है। तो आप लोग ये वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिए ताकि आप लोग को कुछ शायद मिल जाए। तो दोस्तों टीवी चल रहा है लेकिन बैकलाइट भी ठीक है, बैकलाइट डाइवर्ट सेक्शन ख़राब है पावर का। इसके बाद बैकलाइट तो ऑन हुआ लेकिन पिक्चर नहीं बन रहा है, डिस्प्ले नहीं बन रहा है। अभी क्या ख़राब हो सकता है तो चलिए देखते हैं एक बार, क्योंकि पैनल में कुछ फॉल्ट बढ़ने से पैनल को अच्छा से वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए। तो पहले बीसीसी वोल्टेज को देख लेते हैं, बीसीसी वोल्टेज ठीक है कि नहीं। ये बीसीसी वोल्टेज है, ये 12 वोल्ट का पैनल है दोस्तों, ये 12 वोल्ट ओके बता रहा है। फिर बीजेस को देखते हैं तो बीजेस 9.5 बता रहा है। ये बीजेस 9.5 बता रहा है और ये एबीडी सप्लाई 11.7 वोल्ट बता रहा है, लेकिन ये एबीडी वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। बीजेस भी नहीं बन रहा है, ये 9.6 वोल्ट है, ये पैनल वर्क नहीं करेगा। और एकदम वोल्टेज नहीं दोस्तों, एबीडी सप्लाई को देखते हैं तो एबीडी सप्लाई 13 वोल्ट मिल रहा है। इसमें वोल्टेज नहीं है और फिर ये जगह पर गामा आईसी लगा हुआ है, गामा आईसी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार, गामा का बीकॉम वोल्टेज को एक बार चेक करते हैं। तो बीकॉम वोल्टेज 6.9 वोल्ट बता रहा है, बीकॉम वोल्टेज ओके है। गामा लो रेफरेंस वोल्टेज को चेक करते हैं, ये ओके बता रहा है दोस्तों। फिर हाई वोल्टेज को चेक करते हैं, हाई वोल्टेज ये ओके बता रहा है, ये ओके बता रहा है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो गामा आईसी में फॉल्ट नहीं है और ये बीजेस वोल्टेज एबीडी वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है,
बीजीएस वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है, बीजीएल वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है, और मेन जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट वो तो मिल रहा है, लेकिन 3.3 वोल्ट को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों 3.3 वोल्ट ओके बता रहा है, तो 75% ये डीसी टू डीसी आईसी ओके है, लेकिन फिर भी ये डीसी टू डीसी आईसी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अभी क्या करना है दोस्तों, देखिए ये जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट भी इतना इजी नहीं, ये भी मेजर फॉल्ट है। तो देखिए पहले ये जो गामा आईसी है, गामा आईसी ख़राब होने से ये प्रॉब्लम आता है कभी कभी, लेकिन गामा आईसी में वोल्टेज ओके है, और डीसी टू डीसी आईसी ये 75% अभी तो ओके बता रहा है, और 3.3 वोल्ट भी आउट हुआ, लेकिन बीजेल एबीडी वोल्टेज आउट नहीं हुआ। एबीडी वोल्टेज 30 बता रहा है, लेकिन ये वोल्टेज से काम नहीं करेगा। तो अभी क्या करते हैं, देखिए ये ट्रांजिस्टर डायोड में शायद फॉल्ट हो सकता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर डायोड है उसमें फॉल्ट बना होगा, तो एक बार देख लेते हैं उसका वोल्टेज भी, डायोड का वोल्टेज भी एक बार चेक कर लेते हैं। सब कुछ चेक किया लेकिन ये डायोड को चेक नहीं किया, तो ये 11.3 वोल्ट बता रहा है, 10 वोल्ट बता रहा है, और उसको देखते हैं ये 11 बता रहा है, फिर एक साइड में 13.1 वोल्ट बता रहा है, फिर एक साइड में 12 वोल्ट 7 वोल्ट बता रहा है, लेकिन ये जो वोल्टेज बता रहा है ये वोल्टेज कुछ गलत बता रहा है, ये ट्रांजिस्टर डायोड जो है उसमें शॉर्ट होगा। तो क्या करते हैं, अभी ये डायोड को चेंज करते हैं, चेंज करके देखते हैं एबीडी वोल्टेज बनता है कि नहीं, बीजेल वोल्टेज बनता है कि नहीं। दोस्तों ये जगह पर एक पीसीबी लगा देते हैं, क्योंकि हॉट एयर गन जब चलाएंगे तो ये हीट ज़्यादा होगा, और ये प्लास्टिक का कवर है, गलने का चांस ज़्यादा रहता है, तो ये इस तरह अंदर में लगा दूंगा तो हीट ज़्यादा नहीं होगा। अंदर में ये लग गया, और अभी ये ट्रांजिस्टर को, सॉरी ये डायोड को खुल के लगाते हैं। ये खुल गया दोस्तों, और एक बार देखते हैं ये जगह पर गिर गया। ये देखिए ये डायोड को निकाला, ये स्केलर पीसीबी से ये डायोड को, और अभी ये डायोड को लगा कर देखते हैं।
ये लग गया दोस्तों। अभी एक बार सप्लाई लगा कर देखते हैं वोल्टेज क्या बता रहा है, देखते हैं। तो ये टीवी को ऑन कर चुका हूँ और ये देखिए ये लाइट ब्लिंक हो रहा है। वोल्टेज को अभी देखना है, बैकलाइट भी ऑन हो गया और एबीडी वोल्टेज को देखना है। ये देखिए ये बीजेस वोल्टेज अभी आया है, बीजेस ये बीजेस वोल्टेज है दोस्तों। ये देखिए 29.2 वोल्ट बता रहा है और ये हो गया एबीडी वोल्टेज 70.1 वोल्ट, ये हो गया बीजेल वोल्टेज, सॉरी दोस्तों ये बीजेस वोल्टेज भी है और ये भी एक बीजेस लाइन आया और देखते हैं बीजेल को। बीकॉम वोल्टेज ओके है और ये हो गया बीजेल वोल्टेज, तो -6.5 बता रहा है, तो वोल्टेज ओके है। तो दोस्तों अभी डीसी टू डीसी आईसी हर वोल्टेज को ऑन किया और ये जो डायोड ट्रांजिस्टर है, सॉरी ट्रांजिस्टर डायोड जो है वो ख़राब निकला दोस्तों। ये देखिए अभी पहले ये जगह पर 13 वोल्ट आ रहा था लेकिन अभी 70.1 वोल्ट आ रहा है और उसमें देखिए 7.4 वोल्ट आ रहा है और उसमें 17.1 वोल्ट आ रहा है। तो उसका मतलब ये पहले जो ट्रांजिस्टर डायोड को जो लगाया ये देखिए ये ख़राब हो गया, उसका वजह से ये पैनल में ऐसा आ रहा है। और अभी देखते हैं और क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों टीवी को एक बार उठा कर देखते हैं और कुछ फॉल्ट है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए ये टीवी अभी बन गया दोस्तों, देखिए ये टीवी अभी बन गया और बहुत अच्छा से ही बना। ये देखिए ये नो सिग्नल का इमेज भी आया। कैमरा को एडजस्ट करने नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए नो सिग्नल का मिस आया। ये देखिए ये पूरा अच्छा से ठीक हो गया। तो दोस्तों उसका फॉल्ट जो था वो तो आप लोग को पता चला होगा। ये छोटा सा फॉल्ट आप लोग को कैसा लगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना और चैनल में नया आया दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बहुत सारी जानकारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।